बिना गुरु के उलझनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पर अच्छे से समझ लेना जरा ध्यान से, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कोई गुरु बनाना, और गुरु भी ऐसा बनाना क्योंकि वो अपने चक्कर में नहीं पाड़ ले तुमको, वो पाड़े तो शंकर के चक्कर में, राम के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में। हमें छूछा करने वाले या बहुत सनातन धर्म के अंतर्गत ढोंग और प्रपंच से दूर हट गए। आज के जमाने में सनातन धर्म में भी लोग इतना ढोंग प्रपंच करने लगे हैं, हमें उस ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, हमें शंकर के चरणारविंद में पड़ना।